जो अच्छे बनाने वाले लोग थे, महंगी महंगी उनकी पतंगे थी, तो वो ऐसी नहीं होती हैं, उसमें कुछ होता है। सीखे हुए कमांड चड्डे से क्या फायदा होता है? सीखे हुए कमांड चड्डे से फायदा होता है कि आपकी पतंग रेंज में जाने के बाद बिगड़ती नहीं। मोटा होता तो इसका लॉजिक क्या रहता है सर? इसमें वेट आगे की तरफ को दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और कमान चढ़ाते में वेट जो है यहाँ से। वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम बरेली गाइस। तो आज बरेली का एंड है हमारा, यहाँ टूर का एंड होने वाला है। 3 दिन से हम बरेली में हैं और आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। बिकॉज स्पेशल इसलिए बोलेंगे, आज हम मिलने वाले हैं वन ऑफ द फेमस, बहुत ही यंग है, बहुत ही मतलब आप काफ़ी मतलब कम टाइम में बहुत अच्छा नाम कमाया है। मोहित भाई उनका नाम है, मैं आपको दिखा सकता हूँ ये चीज़ यहाँ पे, ये आप देखें यहाँ पे पतंग मोहित वाली। आज हम इनसे मिलने वाले हैं। मिलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो उनका जहाँ पे वो काम करते हैं, जो उनका वर्क प्लेस है, मैं थोड़ा सा आपको वो दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। कुछ देखिए पूरा पूरा यहाँ पे पतंगें कुछ बन के रखी हुई हैं, कुछ तैयार होने वाली हैं, कुछ पे काम हो चुका ऑलरेडी। वो सब पतंगें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रखी हुई हैं इस टाइम पे। और आप ये देखिए एकदम से ये सब पतंगें यहाँ पे चल रही है। और हम चलते हैं अब मोहित भाई के पास, उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ कुछ क्वेश्चन कुछ उनसे पूछेंगे, उनकी जर्नी के बारे में, कब से वो काम कर रहे हैं, कैसे उनका काम रहा, कुछ उनके एक्सपीरियंस के बारे में सब पूछेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं मोहित भाई के पास हम, तो चलते हैं भैया के पास। तो मोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद एंड सॉरी आपको इस टाइम पे हम आपको परेशान करें, बिल्कुल माफ़ी चाहेंगे आपसे, क्योंकि टाइम सुबह से आज चल रहा था कि किससे हो जाए, तो बाद में सुनने में आप भी आज ग्राउंड गए हुए थे मैं उड़ाने के लिए। तो मोहित भाई आप कितने साल के हैं? मुझे तो बहुत यंग लग रहा है कि मैं बात करूँ आपसे, तो कितने साल के हैं आप? मैं 25 साल का हूँ। आप 25 ईयर्स ओल्ड के हैं, बहुत बढ़िया। तो मोहित भाई कब से कर रहे हैं, मतलब कब से ये काइट मेकिंग का काम चल रहा है आपका? मैंने यही काम सीखा बचपन से। बचपन से सीखा है। अगर हम बचपन से अगर बात करें तो मतलब मतलब हम बात करें तो आपको स्टार्टिंग से मतलब हम भी कहते हैं कि जो पेरेंट साइड से आए थे, इस तरीके से आपने ये काम सीखा, मतलब जहाँ आपके मेरे घर में ही यही काम होता था। अच्छा, तो ये मतलब बैकेंड से ये चलता आ रहा है, पीछे से ये काम चलता आ रहा है आपके पास। ननिहाल भी पूरी पतंग भी बनाते हैं सर। क्या बात है, क्या बात है। तो इससे गुड एक्सपीरियंस, मतलब आपने काफी मतलब शुरू से देखे पतंगे बनते हुए, पतंगे अच्छे बनते हुए। तो आप ना कुछ बता रहे थे कि जैसे कि ऐसे आपके मॉम भी बनाते थे, आपके डैड भी पतंग बनाते थे, तो आप कुछ बता रहे काफी एक्सपर्ट डिजाइन डालते थे जो कोई भी नहीं डाल पा रहा था, कुछ उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? डिजाइन बहुत उस टाइम में बहुत अच्छे डिजाइन डालते थे वो, ऐसे डिजाइन डालती थी जैसे ये घोड़े वगैरह आप पढ़ते हैं, हाथी वगैरह, एलिफेंट वगैरह पढ़ते हैं। हाँ जी। तो वो ये नॉर्मल स्कूटर, साइकिल, जैसे शेर है तो वो बैग पे लेटा हुआ, इस तरीके से उन्होंने बहुत डिजाइनिंग करी है। क्या बात है, क्या तो बात वो उन्होंने उस टाइम में करी है, इस टाइम में मैं उनकी समझ लो गोदी में ही था। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा उनकी पतंग यादगार पतंग पड़ी हो जो हम देख सकते हो आपके पास, ऐसा कुछ? मेरे पास उनकी कोई पतंग नहीं, अभी कोई पतंग नहीं है, क्योंकि मैं वो असल में मैं छोटा था। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट मोहित भाई, बहुत माफ़ी चाहेंगे आपसे। लेकिन मोहित भाई मतलब आप अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं से विरासत में मिला आपको ये पतंग बनाने का, अगर हम टैलेंट की बात की जाए तो। बिल्कुल। तो आप बचपन से ये काम कर रहे, तो उसके बाद आपने कब सोचा कि आप इसको प्रोफेशनली करेंगे, इसमें मतलब पूरा फोकस कैसे किया उसके ऊपर, कैसे आए थे, आपके मन में क्या आया था? मेरा प्रोफेशनली यही था। तो स्टार्टिंग से आपने इसी पे फोकस आपका था कि मुझे इसी में जाना है, आपको इसी पे करना है, क्या बात है। तो आपने मतलब वहाँ से मिला, कहते हैं कि एक ही आपको टैलेंट मतलब जीन्स में मिला कि आपको ये काम करना है, ये एक आर्ट आपके हाथ में आया, तो उस पर आपने फिर फोकस किया और उसी को अपना प्रोफेशन अपडेट करता है। बिल्कुल। तो आपने जब स्टार्टिंग में पतंगे बनाना स्टार्ट की थी तो क्या क्या आपने उसमें एक्सपेरिमेंट करे और कैसे कैसे आपको उसमें फिर आपने चेंजेस करे और क्या क्या कहाँ कहाँ से आपने ये सारे आइडियाज लिए? एक्सपेरिमेंट तो बहुत करते थे हम लोग, यहाँ पे पतंगे बनाते थे फिर उसे उड़ा के देखते थे, फर में बनाते थे मैंने, फिर उसमें कमाने ठड्डे लगा के फिर उन्हें उड़ाने जाते थे, क्योंकि मैं उड़ाता भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसमें चेक करता था स्पीड वगैरह, चलन फिरन वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मोहित भाई आप इतने यंग है, इतने आप काम भी कर रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे नए में जो नए उड़ाने वाले हैं, काफ़ी लोग मेरे पे ही पूछते हैं कि भैया फर्मा होता क्या है, लंबे घाट का फर्मा, या फर्मा कोई बोलता है कि नवाब अली का फर्मा है, तो वो क्या क्यों किस बेस पे वो फर्मे कंसिडर किए जाते हैं? फर्मे एक दो कैटेगरी के होते हैं, एक छोटे पेज के होते हैं और एक होते हैं रेंज के पेज के। ठीक है। तो जो रेंज के पेज के फर्मे होते हैं तो वो जो है ना कमांड थेटा, उसमें थोड़ा वेट डाला जाता है, लूज नहीं रखा जाता है, तो काम पूरा कराया जाता है, जो नॉर्मल उसमें करेंगे आप वो नॉर्मल इसमें भी करना पड़ता है, लेकिन इसमें वेट का ख्याल रखना पड़ता है।
ओके रेंज वाले में। ठीक है, बाकी फर्मे जो बोलते हैं कि ये उनका फर्मा, ये उनका फर्मा, ये उन्होंने मतलब कटिंग करके या पेपर की कटिंग करके कुछ ऐसा निकालते, डिजाइन निकालते, तो इसलिए उनका ऐसे बोलते हैं कि ये उस मेकर का फर्मा है। वो तो ऐसा होता है जैसे कि उन्होंने शुरुआत उस फर्मे की हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि ये से बोलते कि ये उनका फर्मा है, जब नाम आया था कि इसे उनका फर्मा है। कुछ लोग इतने पुराने हो गए हैं कि हम जब होश संभाला हमने तो नए फर्मे को बनाते हुए देखा। ओके, तो उन्हें ज्यादातर लोग जो यंग जनरेशन है तो उन्होंने ज्यादातर उन्हें जो है एक ही फर्मे पे देखा उस पर बनाते हुए, तो वो ये बन गया मतलब कि जैसे ये उनका फर्मा, वो फेमस हो गए अपना स्टार डालने से। उनका एक स्टार पड़ता है तो वो पैड डिजाइन है उनका। तो कोई आपका भी स्पेसिफिक फर्मा है जो आप बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे हमको? मेरा तो यही है, सफेद पत्ता। सफेद पत्ता, और बिल्कुल। और ये पतंग की खासियत हम बाद में बताएंगे, हम मोहित भाई से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले चलते हैं मोहित भाई के पास। तो मोहित भाई बचपन से ये मतलब एक काइंड ऑफ उनको विरासत में मिला हुआ है ये है, और काफ़ी इन्होंने भी मतलब स्टार्टिंग में देखा, लोगों को बनाते हुए देखा, इवन अपने मॉम डैड को पतंग बनाते हुए देखा। उसके बाद इन्होंने इस चीज़ के ऊपर कहते ना कि एक जीन्स में आया तो काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट किया। तो स्टार्टिंग में आपको क्या क्या स्ट्रगल आया एक पतंग बनाने में, अच्छी पतंग बनाने में? स्टार्टिंग में तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब जो मेरे मुझसे ऊपर मतलब लोग थे बड़े, मतलब जैसे उन्होंने मुझे बताया नहीं, मतलब खाली मैंने उनकी पतंगें देख के, जो अच्छे बनाने वाले लोग थे, महंगी महंगी उनकी पतंगें थी, तो वो ऐसी नहीं होती हैं, उसमें कुछ होता है, तो वो चीज़ मैंने बस पकड़ ली जो कुछ होता है। तो आपने उनकी बारीकियाँ देखी, उनको नोट किया, वो अपनी पतंग में ऐड करी। बिल्कुल, जो मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली, जो मेरी समझ में नहीं आई मैंने छोड़ दी, ऐसे करके मैं यहाँ तक ये पतंग बनाया। बिल्कुल, तो मतलब आपने कई चीज़ों को देखा, समझा, फिर हाँ। तो उनको अपने हिसाब से अपनी पतंग में डाला उनके ऊपर, मतलब उनमें कुछ चेंजेस करके, कुछ रिवाइज करके आपने उनको पतंगों में डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से आपने ये प्रैक्टिस कर करके, मतलब काफ़ी इसमें भी ऐसा नहीं कि एक दिन में काम तो नहीं, काफ़ी आपने प्रैक्टिस करी होंगी। ये महीनों का काम, महीनों का काम। तो आपने मतलब जब ये काम करते थे तो कुछ वेस्टेज भी होता है पतंगों का, जब कुछ होता होगा तो वो भी होता होगा कि पतंग खराब बनी, गुस्सा भी आता होगा कि यार हो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा जो सोचा है। तो उस मामले में मतलब उस टाइम कोई ऐसा कोई वाक्य जब आपने कभी ट्राई करो कुछ टाइम से आपको लग नहीं रहा कि मैं ये चाहता हूँ बन नहीं रहा, गुस्सा आया, कुछ ऐसा कोई वाक्य बताइए अपने टाइम का जब लर्निंग टाइम पे थे आप। असल में मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं इतना काम सीखा हुआ था कि कोई बड़ा आके अगर मुझे बता दे कि ये करना है तो वो मैं वो कर लेता था। ओके, लेकिन मुझे पता नहीं होता था करना क्या है। ऐसा होता है ना, सबको लगता है कि मुझे भी लगता था मैं बहुत अच्छी पतंग बनाता हूँ, लेकिन जब मैं अब इस जगह पे आया तो मुझे लगा मैं पहले अच्छी नहीं बनाता था। तो फिर ऐसा होता है ना, कोई दिखा दे आके कि तुम अच्छी नहीं बनाते हो, ये अच्छी है, तो फिर वो वाली अच्छी पकड़ लेता है इंसान। अब वो बात अलग है कि जो है वो माने ना माने, वो तो जो मान लेता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो आपको भी लोगों ने बताया कि आपकी पतंग में ये कमी आ रही है या कुछ, तो उसको आपने फिर फीडबैक लिया उन चीज़ों के ऊपर, वर्कआउट किया फिर? मैंने बाहर की पतंगें जो होती है जैसे मुरादाबाद वगैरह की या हमारे बरेली की तो नहीं, अब बरेली में भी थोड़ा बहुत अपडेट आ गया है, तो वहाँ बाहर जो है अपडेट था पहले से, वहाँ की पतंगें अलग होती थी, तो वो अपडेट जो है वो चीज़ मैंने नोट करी। तो वो चीज़ मैंने, वो रुलाई का फ़र्क होता है, तो वो कमान की रुलाई होती है और चीज़ें भी हैं, तो वो रुलाई जो है वो चीज़ सीख ली मैंने उनसे, सिर्फ पतंगों को देख के, तो वहाँ से जो है मैं जो है पतंग बनाया सही। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब काफ़ी आपने मतलब चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया अगर देखा जाए तो, आपने बहुत चीज़ों को देखा समझा, बहुत लोगों के अंडर में काम करा मैंने। अच्छा, आपने भी काम पहले स्टार्टिंग में काम किया है, तो कोई ऐसे नाम बताइए जो मतलब फेमस रहे हो जिनका आप बताना चाहते हो, कुछ उस्ताद नहीं जिन पे काम किया हो कुछ? मतलब ऐसे लोग थे वो जो मतलब असल में वो ऐसे हैं कि जैसे छोटी पतंग जो है वो बनाते हैं। अच्छा, ओके। वो शौकीन वाला काम नहीं करते, नहीं करते। तो उनके पास हमने काम सीखा ताकि कुछ आपके हाथ में मतलब जो एक क्लैरिटी आज मतलब हाथ की सफाई होती जाए धीरे धीरे, और उसको फिर आपने अपने हिसाब से धीरे धीरे बाद में। तो ऐसा भी होता है कि आप काम करने के बाद अपने काम पर भी ध्यान देते कि भैया आज ये काम किया तो आज थोड़ा सा अपना हाथ और अपना प्रैक्टिस करी जाए उस चीज़ को अपने पास, ऐसा भी करते थे। तो शुरू से आप यहीं पर काम कर रहे हैं बरेली में, यहीं पर आपका ये जो वर्क प्लेस है यहीं पर, कहीं पहले कहीं और था?
पहले मेरा यहाँ से हटके था, ओके अब यहाँ पर है, अब यहाँ पे आ गया है। और आप खुद भी शौक करते हैं, आपने कोई टूर्नामेंट ऑल इंडिया भी आई थिंक लड़ा है शायद से अभी? ना, मैंने ऑल इंडिया में एंट्री कराई थी। अच्छा, एंट्री करवाई थी आपने? किसी वजह से जा नहीं पाया था तो मैंने भेज दी थी टीम। तो आपके क्लब का नाम क्या है मोहित भाई? मैं ZA में लड़ा, जड़े में, तो बरेली की, बरेली का टीम है, राइट, बरेली का ही है। कब से लड़ा रहे हैं, कब से पतंगबाजी, मतलब कब से शौक कर रहे हैं काइट फ्लाइंग का? शौक भी मैं बचपन से करता हूं। ओके, तो छतों के बाद आपने मतलब ग्राउंड भी बहुत जल्दी मतलब वो कर लेते हैं क्योंकि इसी लाइन में तो लोगों से मिलना होता था आपको, तो एक होता कि जाके उस्तादों की भी। अच्छा, कुछ ऐसा भी होगा कि आपने मतलब जो पतंग उड़ाने वाले जो मास्टर्स है उनसे भी आपने बात करी, उनसे भी कुछ आइडियाज लिए पतंग के ऊपर क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा भी रहा आपका, या किसी मास्टर ने आपको फीडबैक दिया हो कि ये पतंग यार मोहित ऐसे बना ऐसे करा कर? ये सब चीज जो है ना ये बनने के बाद मिली, बनने के बाद मिली, पहले नहीं बता पाता था कोई। ओके, तो बनने के बाद जब पतंग आपकी गई सबके पास, उस्तादों के पास गई, तो उन्होंने फीडबैक दे कि इसमें मोहित ये काम हो सकता है, इसमें ऐसा होना चाहिए। और जो हमारे यहाँ के लोग थे वो लोग जो है मतलब ऐसा होता है जब कोई फेमस हो जाता है ना थोड़ा बहुत, उसके बाद उससे लोग चाहे वो गलत भी गए ना तो उसकी वो सही लगती है। ओके, यहाँ पे ऐसा माहौल हो गया था, कई बार होता है कि सीनियर्स की बात समझ में, शुरू में कोई नहीं था, मैं शुरू में बताता था तो समझ में नहीं आती, आप सब समझ लेते, कहते हैं आप सही कहते हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अभी जो हाल फिलहाल जो आपका जो जो आप करते हैं, तो एक पतंग बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना आपको एक मतलब कोई ऐसा आपके पास ऑर्डर भी आते हैं तो आपका पहला पहला पर्पज क्या होता है पतंग में, मतलब पहले उनका डिजाइन आपके मोस्टली सबके आपको पता करना क्या होता है, एक जैसे ऑर्डर है आपके पास तो उस चीज को मतलब आपका एक टाइम कैसा रहता है कि मतलब एक पतंग बनाने में कितना टाइम लग जाता है, एक अच्छी पतंग आपके हिसाब से हाथ साफ करने में कितना टाइम लेती है बनने में? अच्छी पतंग हम तो 50 पतंगे बना पाते हैं एक दिन में, बन जाती है मतलब ये है, वो भी रेगुलर काम करने के बाद, बिकॉज पूरा इसमें आपको देखना पड़ता है आपके पतंग की कटिंग से लेकर सारे काम, कटिंग, ठड्डा, छीलना, लगाना, मतलब फुल कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल, बस सिर्फ ये डोरी जो होती है वो हटा देते हैं। ठीक है, तो दादा जो ये आपके पास कमान ठड्डे आते हैं तो ये सब बरेली में ही होते हैं कि बाहर से मंगवाते हैं आप कमान ठड्डे सारे? ये कुछ बाहर से कभी मिल जाते हैं हमें। ओके, जैसे अभी हम बीच में लखनऊ का लगा रहे थे, फिर हम कलकत्ता का लगा रहे थे, ओके, अब जो इस टाइम लगा रहे हैं वो यहाँ बरेली का ही है, बरेली का ही, तो उसे वो यहाँ बिकता है इसलिए तो काफी फेमस है। अच्छा दादा, जो बोलते हैं कमान ठड्डा सिका हुआ, सिके कमान ठड्डे से क्या फायदा होता है? सीखे हुए कमान ठड्डे से फायदा होता है कि आपकी पतंग रेंज में जाने के बाद बिगड़ती नहीं है, बिगड़ती तो उसमें वो एक खराब रहता है, खराब कच्ची पतंग कमान ठड्डे की पतंग जैसे यहाँ खींची सही है लेकिन जब वो आगे चली गई तो और लोड पड़ा उसके ऊपर, फोर्स हवा की ज्यादा पड़ी, फिर खींची तो वो अंदर या बाहर होने लगी। और सबसे बड़ी बात दूसरा आता है कि छील, सब बोलते हैं देखो, सब जब दिखाते हैं पतंग देखो छिला हुआ कमान ठड्डा है, तो छिले हुआ कमान ठड्डा बताने के लिए क्या लॉजिक होता है? छिला हुआ कमान ठड्डा कहते ना कि देखिए काम किया हुआ कमान ठड्डे के ऊपर दिखाते हैं कि ब्लेड लगा हुआ, देखो पूरा काम किया हुआ है, तो वो उसके पीछे क्या लॉजिक रहता है, मतलब दिखाया कि इस पे काम हुआ है कमान ठड्डे को पूरा शेप दिया गया, यही लॉजिक रहता है इसके पीछे? इसके पीछे यही लॉजिक रहता है। बिल्कुल, और मैं अभी देखा था जैसे मैंने कभी देखा जैसे अब ये ऊपर से बिल्कुल इसको बारीक रखा जाता है और धीरे धीरे मोटा होता है, तो इसका लॉजिक क्या रहता है सर? इसमें वेट आगे की तरफ को दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, और कमान चढ़ाते में वेट जो है यहाँ से, ये जो यहाँ से बीच में वेट ज्यादा होता है, ये बारीक होती भी आती है यहाँ तक। ओके, तो यहाँ से वेट रहता है और नीचे जब जाती है तो बारीक हो जाती है, नीचे जाएगी ये उतनी बारीक होती, पतली होती जाएगी, तो उससे क्या रहता है पतंग के अंदर? जैसे ऐसे करके पतंग के कुंदे जो है ये पीछे चले जाते हैं, पतंग आगे को दौड़ने लगती है। ठीक है, तो वो मतलब उसका वो हवा को जो पकड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा एक चीज और पूछनी थी, मैंने कई बार देखते हैं कि उस्ताद लोग बोलते हैं कि कमाने को थोड़ा सा ऊपर 3.3 या 3.5, उससे क्या मतलब होता है, वो 4 उंगली 5 उंगली क्या नापा जाता है ये? वो नापना तो हमने तो कभी नापा नहीं नापने से तो कोई मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप जो कमान जिस तरीके से चढ़ा रहे हैं, अगर इक्वल सारी कमाने वैसे चढ़ाएंगे आपकी खुद में ही गिरेगी, अपने आप चढ़ेगी जाके फिर कमान, तो आपका मतलब जो आप काम करते हैं कमान ठड्डे के ऊपर तो उस हिसाब से ऐसा होता है कि फर्मा है ये बताता है, हम इसको ऐसे करके काम रखते हैं तो ये बताता है कि ये जगह खाली है, जगह भरी हुई है, अगर खाली खाली जगह भरना है तो ऐसे भी बन जाती है। ठीक, ओके,
और कुछ एक्स्ट्रा काम कराया था तो वो मैंने बताया था, बताया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये थे हमारे मोहित भाई जो काफी मतलब बरेली के हैं, काफी इस टाइम पे काफी अच्छी पतंग बना रहे हैं। और मोहित भाई आपकी पतंग कहाँ कहाँ जाते हो, किसी को आपके पास रीच आउट करना तो कैसे रीच आउट कर सकते हैं आपकी पतंगों के लिए, और कैसे मिल सकती है आपकी पतंगे? मेरी पतंगे मेरे नंबर पे कॉल कर देते हैं बंदे, मैं दे देता हूँ। चलिए आपका नंबर हम डेफिनेटली लेंगे। अच्छा मोहित भाई एक छोटी सी बात होती, एक बड़ा 2022 में एक बहुत अच्छा किस्सा हुआ था आपकी पतंग का, मैं चाहूंगा कि आप ही बताएं उस किस्से के बारे में, जो पतंग का प्लास्ट पेज कटा था बहुत फेमस हुआ था उसके ऊपर, वो क्या किस्सा था? वो पतंग जो है ऐसा हुआ था, वो समीर भाई का पेज लग गया था, तो जो मुझे पता है मैं गया तो नहीं था, फिलहाल जो मुझे पता चला तो मुझे ये पता चला कि जिन्होंने वो उनकी पतंग काटी थी वो लास्ट पेज उनका घटना था समीर भाई का, तो उनकी पतंग काटी और सामने वाली पार्टी का पैर बाहर निकल गया। ओके क्रीच आउट हो गया वो, तो वो पतंग तो चली गई, तो शायद उस टाइम उनके पास पतंग भी नहीं थी ये सुनना है, अब ये तो पक्का नहीं पता मुझे पतंग और भी थी या नहीं थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने वो पतंग जो कट गई थी वो आगे किसी बंदे ने पकड़ ली लूटने वाले ने, तो उससे मंगाई। अच्छा तो वो पतंग कट के वापिस आई थी, उसे वापिस से पेच लड़ा था और फिर से काटा गया था पेच मेरे ख्याल से, तो वो गेम मतलब उसके वो गेम जीत गए थे शायद से वोला वोला। वो सभी फाइनल उन्हें 1-6 काटना थी। अच्छा तो वो हो गया था फिर वो, तो वो और वो आपकी पतंग से ही कटे थे 1-6 जो काटे गए थे। मतलब उसमें क्रीच आउट और मतलब शायद 4 पेच उन्होंने काटे थे और 2 पेच शायद उन्हें वैसे ही मिल गए थे कुछ किसी वजह से। ओके या तो क्रीच आउट हो गया होगा मतलब इस तरीके से, मतलब 4 या 5 पेज उन्होंने काटे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये बहुत एक हुआ था 2022 में कि ऐसे ऐसे मोहित भाई की पतंग कटी थी और वापस आई थी, मतलब एक पतंग कटने जाने के बाद वापस आई थी और वापस से उड़ी थी, उसने फिर से वो पेज काटा था। एक ये बहुत बहुत मतलब अगर आपने देखा 2022 को अपने जो टूर्नामेंट होता है उसको फॉलोअप किया होगा तो सबको पता होगा कि वो मोहित भाई की पतंग थी जो वापस से उड़ी थी और उसने वापस से पेज काटा था। बहुत कम होता है ऐसे कि पतंग कट के जाए वापस आए और वो टूर्नामेंट पर लड़े, तो ये कुछ काइंड ऑफ यूनिक एक्सपीरियंस हुआ था उस टाइम पर अगर हम देखा जाए तो, और वही पतंग भी आपकी थी। तो मोहित भाई कोई आपकी स्टंप दिखाएंगे पतंग की जो आपको हम दिखा सके थोड़ा सा, और अभी आपके पास से जो भी ऑर्डर तो आपको हम डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं राइट अभी। बिल्कुल, बाकी प्राइस का आप मैं आपको यहाँ पे नहीं करेंगे, प्राइस का मोहित भाई से बात कीजिएगा, उनके व्हाट्सएप पे जो भी हम कॉल कर सकते हैं और जो भी टाइमिंग मोहित भाई आपको बता देंगे कैसे कैसे आपको ऑर्डर प्लेस करना और कैसे आपको ऑर्डर मिलेगा। हम दिखाते हैं आपको मोहित भाई की स्टंप और थोड़ा सा देखिए, तो ये मोहित भाई की स्टैम्प पे आप दिखाते हैं कि कहीं आपको मिलती है तो आपको देखना हो कि वो कि जेनुइन है कि नहीं है, तो थोड़ा सा उसको आपको आइडिया मिल जाएगा उससे। तो ये हमारे मोहित भाई ने पतंग लगा के ये दिखाइए, ये MNR राइट, MR है ये, MR है। ओके तो ये देखिए ये इनकी स्टैम्प है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन नंबर इधर से इसमें आ गया है, बट मैं डेफिनेटली इसमें फ़ोन नंबर आपको फिर भी डाल दूंगा जो हमारे मोहित भाई का नंबर है। और ये मोहित भाई की पतंगे हैं जो आज के टाइम पे अभी मोहित भाई तैयार कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की फर्में भी है जो मोस्टली अभी इसी की डिमांड ज़्यादा है मेरे ख्याल से आपके पास, तो ये डिमांड ज़्यादा चल रही है तो फर्मा में यही बनाता हूँ, आप यही बनाते हैं? एक कलर बनाता हूँ प्लेन पतंग और ये वाइट पतंग। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दादा एक ये इनके भी जेनुइन के मतलब जो आपका होगा मोस्टली आपका प्लेन कलर भी नहीं बदला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे कलर का वो समझने डूबेगी। बिल्कुल, तो ये ओरिजिनल पतंग की निशानी है जो मोहित भाई खुद बता रहे हैं, अगर पत्ते में कुछ वो आ जाए, और आप पूरा फर्मा देख सकते हैं ये हमारे मोहित भाई की पतंगे हैं इस टाइम पे, आप देखिए देखिए दादा ये, और ये हमारे मोहित भाई। मोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया हमें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, काफ़ी टाइम से पेंडिंग था क्योंकि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, मैं पिछले बार भी आपसे मिल नहीं पाया था और इस बार भी आज में था कि नहीं हो पाएगा, बट हो गया फाइनली, कहता ना कि मिलना लिखा हुआ था मिलना हो गया आपसे, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच मोहित भाई, थैंक यू सो मच।